गुड मॉर्निंग, जय माता दी। की हाल चाल है सारे का? आई होप एवरीबडी इज फाइन एंड कीपिंग वेल। आप सभी का प्यारा यानी कि मैं जम्मू द ब्लॉगर कनू एक बार फिर हाजिर हूँ आज का नया ब्लॉग लेकर। संडे आज दोस्तों, संडे को तो कमाल का मनाना ही पड़ेगा, लेकिन अभी अभी जस्ट नहाए हो, भूख लग रही है। भूख का नाम लिया और मम्मी ने बुला लिया, खाना खाने चलो। आज क्या बना है हमारे लिए खास, क्योंकि संडे है तो कुछ तो स्पेशल होना चाहिए ना बेटे के लिए। बेटा छुट्टी में घर पे बैठा है तो कुछ तो अच्छा बनाओ। व्लॉग शुरू हो चुका है, आज नहीं मैं बोलूंगा चलो व्लॉग शुरू करते हैं, हो चुका है भाई, हो चुका है। हम बात कर रहे हैं मतलब हो चुका है। किचन में डायरेक्ट इतनी भूख। मम्मी क्या बना रहे हो? क्यूर बना रही हूँ बेटा। क्यूर? आज सुबह बारिश हुई थी ना, तो बारिश में क्यूर खाने का बड़ा मजा आता है। तो बारिश तो थोड़ी बंद हो गई है, लेकिन क्यूर तो क्यूर ही है। मम्मा ये कोई डोगरा डिश है ना स्पेशल कुछ? ये डोगरा डिश है, और ये पहले जमाने में जो थे ना वो लोग भाजी जो होती थी ना शादी में, जैसे आजकल मठियां मठियां बांटते हैं, तो क्यूरी बना के बांटते थे। ये डोगरों की स्पेशल डिश है, और जब शादी होती है तो लड़की वाले जो है ना वो लड़के को ना जीजू को क्यूर खाती है साली। तो मेरी होने वाली सालियो, क्यूर हमने बना दिया, आज खिला दो। चलो क्यूर खाते हैं, आओ क्यूर दिखाऊं आपको। मैं और पापा तो बैठ गए क्यूर खाने। पापा वो क्या कहते हैं डोगरी में, बड़ले दिन नारी तना नहीं दुख नहीं बीमारी। समथिंग हेवी शुड बी टेकन इन द मॉर्निंग, जो भी अच्छा हो, अच्छी डाइट हो, न्यूट्रिशियस हो, मॉर्निंग में खाइए ब्रेकफास्ट, उसी का करिए तो हेल्दी रहिए। चलो फिर यारो नारी करिए लाके। क्यूर खाने के बाद हमारा इमीडिएट प्लान बन गया थोड़ा सा घूमने का, और आज जैसे कि हमने डोगरा वाली शुरुआत करी है तो एक ऐसी जगह पे लेके जाएंगे जो डोगरा रियासत से जुड़ी हुई है। तो मम्मी कहाँ जा रहे हैं? हम वीरपुर जा रहे हैं। वीरपुर जा रहे दाता देव के दर्शन करने। चलो जी, आज सबको दाता रणपत देव जी के भी दर्शन होंगे, तो रास्ता ही देखना। पता है मुझे अभी रास्ता देखना है, देखो रास्ता। तो हम पहुंच गए हैं वीरपुर। बस अभी कुछ हमारे रिश्तेदार हैं जिनको आप जानते हो, उनसे आपको फिर से मिलाना है, तो अभी उनका इंतजार हो रहा है। इंतजार पूरा होएगा, वो आएंगे फिर आपको मिलाते हैं। तब तक के लिए हम क्या करें, हमारे रिश्तेदार आ ही नहीं रहे अभी तक। वेरी लेट पीपल, आपके रिश्तेदार नहीं आ रहे अभी तक। और ये हमारे रिश्तेदार आ गए हैं। कौन है ये? मेरी मासी। हाय मासी, बोली लगी हाय। ओ
और ये मेरे मौसा जी, वो भरत मिलाप चल रहा है पीछे, ये दीदी मिलाप चल रहा है, मेरे से कोई मिलता ही नहीं है। लव यू मासी। मस्त भैया आ गई जनता सारी। हेलो, उधर से आना था, उधर से आना था, इधर से नहीं आ सकते, इधर से आना वर्जित है। तो ब्लॉग में सिखा रही है ब्लॉग कैसे लगा। This is Neeru Sidotra. This is Nitish Sidotra. बस आगे राइम नहीं बनी। ये हमारे मौसा जी के कुल देव हैं, तो चलो मौसा जी से पूछते हैं स्थान की क्या महत्व है, और अभी वो हमें एक और जगह लेकर जा रहे हैं। तो मौसा जी कहाँ लेकर जा रहे हो अब हमें? अब हम आपको ले जाएंगे बीरपुर, यहाँ दाता देव जी का घर था, वहाँ के वो सरपंच थे और वहाँ की जनता जो है वो उनको बहुत अच्छे तरीके से जानती थी और मानती थी, उनके मतलब जो भी डिसीजन होते थे उनको बड़े अच्छे तरीके से माना जाता। और जो कुल ये सिद्धोत्रा बरादरी का कुल देव है और चाणक बरादरी जो है उनका भी ये कुल देव है, तो हर 6 महीने के बाद यहाँ पर मेला लगता है जिसको दाता देव जी की मेल कहा जाता है। 20 जून 2021 को इनका मेला है, यहाँ पर मेल लगेगी। तो अब हम आपको वीरपुर ले लिए चलते हैं, दाता जी के इनके घर के स्थान पर, तो वहाँ पर आपको उनके दर्शन कराते हैं। चलो जी। देखो ये चोर, शर्म नहीं आती तेरे को? यहाँ पे करने पूजा आए थे और ये चुरा रहे हैं आम। पूजा ही कर रहे हैं, ये भगवान का प्रसाद है। और रुको यार, कल कल बस कर, बांध के तो हुई है, जब डंडे पड़ेंगे ना अंकल से फिर भागना। कैसी बहन है तू, बचाएगी नहीं मुझे? ये देखो मौसा जी भी उतार रहे हैं आम, मासी भी, सब यही काम कर रहे हैं। देखो देखो सबको देखो, ये देखो, ये देखिए, चोर 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 चोर। तो अभी हम लोग ना लंच करने लगे हैं, हमारी एक पिकनिक होने वाली है। और ये ना बहना जिसने कमेंट करा था कि कलाड़ियाँ खिला दो, ये खिला दो, पास्ता तो ये बहुत बनाते थे, तो हमने इनको बोल दिया था पास्ता नहीं लाया हमारे लिए। पास्ता देखो जी, आज हमारे लिए पास्ता है, खोलना जरा। और बाप रे, बढ़िया, ये खाने के लिए सेफ है, बिल्कुल। कैसा बना? यम्मी, मस्त एकदम। अब हमने खानी है कलाड़ियाँ। ओके, खिला देंगे, बिल्कुल खिलाएंगे, बिल्कुल खिलाएंगे कलाड़ियाँ भाई, खिला देंगे आपको। उसके लिए जम्मू आना पड़ेगा ना, बगैरे कल्ला खिला दा कल बना यार। खाओ, मैं छोट ले देंगे। हाँ, we'll be right back.
तो हर गांव में एक स्थान होता था जहां पर बैठ के सभी बातें करते थे और उसको कहते थे चौपाल। ये देखो जी हमारे परिवार के चौपाल लगी है पीछे। तो ये हम कहाँ हैं अभी? ये रानी का तलाव है, ये बीरपुर में स्थित है और यहाँ महाराजा की जो रानी थी वो बीरपुर गांव से थी और यहाँ पर ये तलाव उन्हीं के नाम पर पड़ा हुआ है। तो चलो देखते तलाव। देखो तलाव। फैमिली की पिकनिक चल रही है, ऑनलाइन क्लास पढ़ रही है। वाह वाह पढ़ाई वाह। इसी के साथ अब हम लोगों ने पूरा दिन तो घूम लिया है। कहाँ कहाँ गए थे हम? दाती तालाब गए थे, फिर बीरपुर गए थे, उसके बाद हमने रानी तालाब देखा। अब हमने क्या देखा? अब हमने अपने ब्लॉग का एंड होता देखा। तो इसके साथ ब्लॉग का एंड हो रहा है। आप सभी ने क्या करना है? इसको लाइक करना, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है और साथ ही साथ हमें बहुत ज्यादा प्यार देना है जैसे कि आप दे रहे हो। अपना ख्याल रखना है, स्वस्थ रहना है, मस्त रहना है, व्यस्त रहना है। जय हिंद।